नमस्कार, मैं देवांशी दिव्य भारत न्यूज से। आइए देखते हैं आज की खबर। अहमदाबाद में ट्रैफिक की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अहमदाबाद के पूर्व विस्तार में भारी ट्रैफिक की समस्या को लेकर बात की। इसनपुर ओर से सिटीएम क्रॉस रोड पर समस्या गंभीर बनती जा रही है। इस मुद्दे पर ट्रैफिक डीसीपी सफिक हसन के साथ हमारे दिव्य भारत न्यूज के संवाददाता हरीश याग्निक से सीधी बात की। गुजरात के सबसे युवा आईपीएस अधिकारी सफीन हसन साहब खड़े हैं। सफीन हसन जी, पूछना चाहते हो कि अहमदाबाद ट्रैफिक की समस्या के बारे में आप क्या कहेंगे? हसन साहब, अहमदाबाद सिटी जो है वो दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो भी यहाँ पे काफ़ी बड़े हैं। उसकी वजह से सिटी में जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो आने वाले टाइम का एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो हमारे सामने है। इसमें अहमदाबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साथ में काम कर रहे हैं। अभी नए नए इनिशिएटिव्स के द्वारा हम लोग जो ट्रैफिक और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं उस पर हमारा ध्यान है। और अभी रिसेंटली अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक येलो जंक्शन बनाया है पांजरा पोल चार रस्ता पे, जिसका कंसेप्ट ये है कि जब तक आपको निकलने का रोड क्लियर ना हो तब तक आप वो जंक्शन पे एंटर नहीं कर सकते। तो इससे ये जो बड़े जंक्शन थे उसको क्लियर रखने में हमें काफ़ी हेल्प होगी और आगे भी ये जो एक्सपेरिमेंट है अगर सक्सेसफुल रहा तो बाकी जो बिजी जंक्शन है उस पर भी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरी बात हसन साहब, ये है कि आपकी अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस से बहुत बड़े एलिगेशन लगते हैं और टीआरवी मिलके, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सब ट्रैफिक वाले खराब नहीं है, इसके बारे में आप थोड़ा राय दीजिए। सभी नागरिकों से मेरे ये नम्र निवेदन है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई भी हादसा होता है जिसमें ट्रैफिक पुलिस या टीआरबी के द्वारा कोई इलीगल डिमांड की जाती है तो आप इमीडिएटली उनके जो सुपीरियर ऑफिसर्स है उनका कॉन्टैक्ट कीजिए और उनको डिटेल्स दीजिए, तो उस पर कड़े से कड़े एक्शन होंगे। हसन साहब से दूसरी बात यह है, अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी आपके सर पर है, जबकि अहमदाबाद का पूर्व विस्तार सबसे ट्रैफिक के गिद्धा पर है। जब से आपने ये काम किया सारंगपुर से कालू तक का रोड बंद करके एक अच्छा काम किया, लेकिन सीटीएम का जो प्रॉब्लम और इसनपुर चार से प्रॉब्लम सबसे बड़ा जंक्शन प्रॉब्लम, इसके बारे में साहब आप क्या कहेंगे? सीटीएम पे अभी रिसेंट एक एक्सपेरिमेंट किया है कि बैरिकेड्स लगा के हमने जो रामोल और हाटकेश्वर का जो क्रॉसिंग था उसको रेस्ट्रिक्ट करके उसको 300 मीटर आगे शिफ्ट किया है। उसकी वजह से अभी सीटीएम का प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो गया है। इसके अलावा जो ईसनपुर और घोड़ासर वाला जो इशू है उस पर नया जो ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज का काम चल रहा है, उसकी वजह से पूरा प्रेशर जो है वो सर्विस रोड पर है और उसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक की जो समस्या है वो अभी है, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि जैसे ही ब्रिज बन जाएगा वहाँ की प्रॉब्लम जो है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएंगे। धन्यवाद हसन साहब, दिव्य भारत न्यूज अहमदाबाद। खबरों के लिए इतना ही, देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज। नमस्कार।